गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 में हमारा साइंस के चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, जिसमें हम फाइबर के बारे में पढ़ रहे थे। फाइबर जिसमें हमने पढ़ा था दो टाइप के, फाइबर नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, जो आपको नेचुरली मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो आप केमिकल्स के थ्रू या मैनमेड होते हैं। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, जो आपको प्लांट और एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, और दोनों में कंपेरिजन क्या है, सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा बेस्ट है कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। क्यों? ठीक है, अब नीचे देखेंगे टेबल 3.3, बायोडिग्रेडेबल और नॉन
समझने के लिए कि किस टाइप के वेस्ट होते हैं, जो वेस्ट आप फेंक देते हैं डस्टबिन में कचरे में वो किस टाइप के वेस्ट होते हैं और उनका कैसे होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं या नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो उनका कितना टाइम लगता है डिकम्पोज होने में। तो टेबल में देखेंगे सभी की पहला कि पीस ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, यानी आप देखते हैं जो आप फ्रूट्स खाते हैं ठीक है, या कुछ भी फ्रूट्स खाते हैं उनको आप छोड़ देते हैं ठीक है, तो उनको कितना टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, लगभग 1 से 2 वीक्स ठीक है। और ये क्या है, नेचुरल मटेरियल क्या है इसका, बायोडिग्रेडेबल, ये इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं और इनको लगभग टाइम लगता है 1 से 2 वीक्स में ठीक है। सेकेंड है पेपर, पेपर जो होता है वो उसको टाइम लगता है 10 से लेकर 30 डेज, 10 से लेकर 30 डेज, वो 1 मंथ मान लो आप उस 1 मंथ के अंदर अंदर वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये भी इसका क्या नेचर है, बायोडिग्रेडेबल। थर्ड है कॉटन क्लोथ, कॉटन के जो क्लोथ होते हैं उनको डिकम्पोज होने में लगता है 2 से 5 मंथ, बिटवीन 2 to 5 मंथ इट विल बी डिकम्पोज ठीक है, एंड द नेचर ऑफ दिस मटेरियल आर बायोडिग्रेडेबल। फोर्थ इज वुड, लकड़ी, लकड़ी को डिकम्पोज होने में लगेंगे 10 to 15 ईयर, 10 से 15 साल ठीक है, एंड इट विल बी ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल ठीक है। फिर नेक्स्ट है वूल एंड क्लोथ, ऊन के जो क्लोथ होते हैं कपड़े होते हैं उसको करने में अबाउट अ ईयर, लगभग 1 ईयर लगता है, और इसका भी नेचर क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल। थर्ड है टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस 100 to 50 ईयर्स, और ये कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी इसको लगभग 100 से 500 साल लगेंगे डिकम्पोज होने में, और जिसको देख रहे हैं कि हम शायद जिंदा भी रहे, जबकि तो इसलिए इसका नेचर क्या था होता है, बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये इजीली नहीं होते, इसमें बहुत लंबा टाइम चाहिए इसको डिकम्पोज होने में। आगे प्लास्टिक के बैग्स सेवरल ईयर्स, यानी प्लास्टिक बैग्स में आपको काफ़ी साल लग जाएंगे, यानी बहुत टाइम लग जाएगा, और इसलिए इसको भी बहुत कैटेगरी में रखा गया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये कुछ टाइप के वेस्टिंग बता रखे थे आपको, इनका नेचर बता रखा था कि बायोडिग्रेडेबल है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और दूसरी चीज़ इसमें कितना टाइम लगता है इसको डिकम्पोज होने में, तो ये सब आपको टेबल के थ्रू समझाया गया है ठीक है। आगे देखेंगे पेज नंबर 39 पे, सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल इयर्स टू डिकम्पोज, जैसे कि आपने देखा कि प्लास्टिक को काफ़ी टाइम लग जाएगा डिकम्पोज होने में, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, तो ये कह सकते हैं कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी ये क्या करता है, ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न इजिली, इसकी वजह अगर आप देखेंगे द बर्निंग प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं उनका जो बर्निंग प्रोसेस होता है काफ़ी स्लो होता है, एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न इजिली, और ये कम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके से बर्न नहीं होते हैं। आगे इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फंग्स इन टू द एटमोसफियर कॉजिंग एयर पोल्यूशन, और जब इसको आप रिलीज करते हैं बंद करते हैं तो ये काफ़ी सारी कह सकते हैं ना कि हार्मफुल गैसेस एयर में मिक्स करती है, जिससे क्या होता है एयर पोल्यूशन भी होता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, अब हम कैसे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अब नीचे बॉक्स दे रखा है उसमें क्या लिखा है कि हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज, आपने कभी देखा होगा जो कई सारे एनिमल्स का गार्बेज इकट्ठा होता है वहाँ पर कई सारे एनिमल्स उसको खाते रहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे सोयलो मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड, तो वो उसमें से जो खाने की चीज़ें खाते हैं तो क्या होता है उसके साथ साथ जो प्लास्टिक्स होती है पॉलीथीन होती है वो भी उसके साथ मिक्स होकर उनके पेट के अंदर चल जाती है। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस, द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स लीनिंग्स इन देयर स्टोमच एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ, यानी क्या होता है कि प्लास्टिक खा लेते हैं तो ये क्या का जो एनिमल्स का रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, जो पाचन का सिस्टम होता है वो खराब कर देते हैं, जिससे क्या होता है ये उनको अंदर का डैमेज होता है पार्ट, और जिससे क्या इनकी डेथ भी हो जाती है। आगे था पॉलीबैग्स क्रेलेस इन थ्रू द हर एयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोथिंग द ड्रेस, अब देखिए आप पॉलीबैग्स होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं क्रेलेस होते हैं उसको इधर उधर फेंक दिया, नाली में चले गए, नाली में जाने के बाद जो वहाँ ड्रेनेज सिस्टम होता है पानी निकलने सिस्टम वहाँ पर जाके वो ब्लॉक कर देते हैं उसको, इससे पानी का सिस्टम भी रुक जाता है। सम टाइम वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द पेपर्स और चिप्स बिस्किट एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड और इन पार्क्स और पिकनिक प्लेस, कभी कभी हम क्या करते हैं
मोस्टली हम करते हैं, लोग देखे होंगे आपने जो हम चीज फूड आइटम खाते हैं जंक फूड की, जैसे चिप्स के पैकेट हो गया, बिस्किट के पैकेट हो गए, ये सब हम इधर उधर पब्लिक प्लेस में, पिकनिक प्लेस में या यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर यूज, और हम ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। देखिए हम जैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, जिम्मेदार नागरिक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, पहली चीज़ हमें खुद ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ऐसा कोई दिखता है करता हुआ तो उसको आपको रोकना चाहिए, उसको अवेयर करना चाहिए इस चीज़ से कि ये जो चीज़ आप कर रहे हैं ये गलत है, इससे एनवायरमेंट का नुकसान है और एनिमल्स का भी नुकसान है, इसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए और दूसरों को भी अवेयर करना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके आप प्लास्टिक का यूज करना बंद कर दें। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। आप क्या करें, जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं मार्केट में या कहीं भी, तो आप जो बैग्स होते हैं वो कॉटन और जूट के बने हुए बैग्स का यूज करें। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्ट सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। आपके पास घर में जो ऐसे वेस्ट हैं जिसको आप सेपरेट कर लें, जिसमें से जो बायोडिग्रेडेबल है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको अलग अलग सेपरेट कर दें। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, की पहले सबसे चीज आपको अपने घर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। क्या आप कोई और तरीका बता सकते हैं ताकि आप जो प्लास्टिक का मटेरियल उनका यूज कर सकें। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, यानी इसका बेटर ऑप्शन क्या है कि हम उसको दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट का। आप कैसे कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द थर्मो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, कई सारी ऐसी थर्मो प्लास्टिक है जिसको आप इजिली रिसाइकिल कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल, हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, दिस लिमिट्स इज यूज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। एंड कई सारे ऐसी प्लास्टिक हो सकती हैं जिसको आप दोबारा से रिसाइकिल करके उसको आप डेकोरेशन के मटेरियल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आप घर में आप अपने घर में उसको सजाने के लिए यूज कर सकते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द फाइव आर प्रिंसिपल, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको ये फाइव आर प्रिंसिपल याद करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, याद रखना चाहिए। क्या होता है फाइव आर प्रिंसिपल, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल रिकवर एंड रिफ्यूज, डेवलप हैबिट विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। यानी आपको कोई भी अगर ऐसा प्लास्टिक का मटेरियल दिखता है आपके घरों में, ठीक है, जो आपको लग रहा है वेस्टेज है और आप उसको दोबारा रिसाइकिल करके रीयूज कर सकते हैं, उसको फेंकने से अच्छा है कि आप उसको दोबारा से रिसाइकिल करके रीयूज करें और उसको आपको घरों में कह सकते हैं डेकोरेटिव मटेरियल में कन्वर्ट करके उसको सजा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या आपका वेस्टेज भी नहीं होगा, दूसरी चीज़ जो आपका मटेरियल वेस्ट जा रहा था वो आपके घरों में दोबारा से यूज करने में अच्छा लगेगा। कई लोग हैं जो आपने देखा होगा लोगों घरों में कई सारे लोग प्लास्टिक की बोतल होती है उससे भी कई सारे ऐसे आइटम बना लेते हैं जो डेकोरेटिव लगते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप पे, आपके हैबिट्स पे, अगर आपकी हैबिट्स है ऐसी तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने घरों में कह सकते हैं डेकोरेशन के लिए, ठीक है। तो ये था इसमें प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक का जाने चैप्टर से आप देखा सकते हैं जितना हो सके आप प्लास्टिक को अवॉइड करें, ठीक है। जूट और कॉटन के बैग यूज करें, कि प्लास्टिक क्या है हार्मफुल होती है एनवायरमेंटल के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। तो जितना हो सके आप प्लास्टिक को अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जूट बैग और कॉटन बैग का यूज करें जब भी आप बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए, ठीक है। कहीं भी जाते हैं और कुछ सामान अगर आप कलेक्ट करके लाते हैं तो इसलिए प्लास्टिक को बिल्कुल यूज ना करें, ठीक है। ये काफ़ी नुकसानदायक है, जैसे कि हमने पढ़ा अभी एनिमल्स के लिए कितना नुकसानदायक है, क्योंकि हमारी वजह से एनिमल्स को नुकसान होता है, ठीक है। एनिमल्स की कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट किसका होता है, ह्यूमन बींग्स का होता है, हम लोग ही प्लास्टिक हुआ इसको हम पॉलीथिन का इसको हम कहीं इधर उधर भी फेंक देते हैं, इससे क्या होता है जो एनिमल्स होते हैं वो इसको ईट कर लेते हैं और उसके बाद उनके मतलब पेट में जाने के बाद काफ़ी नुकसान होता है और उससे उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इस चीज़ को समझें और इससे अवेयर हों और दूसरों को भी अवेयर करें। अगर आप आस पास इन्वायरमेंटली या कहीं पब्लिक प्लेस में कोई ऐसा करता हुआ दिखता है तो आप इसको रोकें और उसको इसके बारे में अवेयर करें, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर आपका थर्ड, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, क्लास 8 का ये चैप्टर हो चुका है कम्प्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू, और जो चैप्टर पढ़ा दिया गया उसके साथ साथ रीडिंग करते चलिए, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आता रहे और उसके जो भी क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे तो आपको पता रहे कि यहाँ भी इसका क्या मतलब है। तो ये सब आप प्रॉपर करते रहे साथ साथ में और स्कूल में आके अपनी अपडेट देते रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।